किशोरपुरा थाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए साजी देहरा क्षेत्र में स्थित एक मकान में छापा मारकर सटोरियों से 60 लाख रुपए, दो मोबाइल, एक नोट गिनने की मशीन, कैलकुलेटर व सट्टों का हिसाब बरामद कर एक जने को गिरफ्तार किया, जबकि एक मौके से फरार हो गया। सट्टे में इतनी बड़ी राशि पकड़ने का यह राज्य के सबसे बड़े मामलों में से एक माना जा रहा है। डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि मुखबिर से सजीदेहरा क्षेत्र में सट्टे का बड़ा कारोबार चलने की सूचना मिली। इस पर उच्चाधिकारियों से चर्चा कर जाप्ता मंगवाया तथा साजिदेहरा निवासी मोहम्मद उस्मान के घर पर छापा मारा। जाप्ता आते देखे खाईवाल रईस उर्फ खसीटा फरार हो गया। पुलिस ने घर को घेर लिया। पुलिस जब अंदर कमरे में पहुंची तो चौंक गए। वहां सट्टे का बड़ा कार्य चल रहा था। सट्टे में आने वाले नोटों को गिनने के लिए सटोरियों ने नोट गिनने की मशीन लगाई हुई थी। पुलिस ने बताया कि सजीदेहरा निवासी मोहम्मद उस्मान व मोहम्मद आमीन मिलकर सट्टा लगाते हैं। आमीन सट्टे की खाई वाली बुकिंग का काम करता है, जबकि उस्मान सट्टे की रकम एकत्र करता है। वहीं हाड़ौती में सट्टे का नेटवर्क चलाने वाला रईस उर्फ खसीटा की तलाश की जा रही है। ये जब से आईपीएल मैच चल रहे हैं, श्रीमान आईजीपी साहब और एसपी साहब कोटा सिटी द्वारा समस्त दत्ताधिकारी थानाधिकारियों को वृहद स्तर पर आईपीएल के सट्टे के बारे में सूचनाएं मिल रही थी, इस पर कार्रवाई करने के निर्देश प्रदान किए। इस पर हमारा आसूचना तंत्र लगातार काम कर रहा था। कई बड़े बुकी थे जो संभाग और राज्य के बाहर भी बड़े वृहद स्तर पर सट्टे का कारोबार कर रहे थे। इस पे हमें कल बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। किशोरपुरा थाना पुलिस ने लगभग 60 लाख रुपए से अधिक की राशि, जो अब तक की संभवतः सबसे बड़ी राशि होगी जो आईपीएल के मैचों में लगाई गई सट्टे की रकम है, वो बरामद की है। इसमें जो मेन किंग पिन था रईस कसीटा, वो फरार हो गया। इसका जो साथी था, इसको हमने मौके से पकड़ा, मोहम्मद अमीन को। इससे गहनता से पूछताछ की जा रही है कि आगे ये बुकी किन बड़े बुकीज को ये गेम उतार रहा था और इसके द्वारा बारा, बूंदी, झालावाड़ या संभाग के अन्य हिस्सों में किन किन के द्वारा इसको सट्टे का गेम उतारा जा रहा था। गहनता से अनुसंधान किया जाएगा। अन्य किसी की लिप्तता पाई गई तो उसके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की। इनके पास कुछ जो रकम थी आईपीएल के मैच की, 17 तारीख की, 18 तारीख की, पहले पूर्व कई तारीखों का हिसाब किताब भी है, जिनमें रकम थी जीतने का, हारने का। कोड वर्ड में इन्होंने हिसाब लिख रखा था, D4 इन्होंने देना, L4 लेना, ऐसे करके इन्होंने पूरी रकम नहीं लिख रखी थी, कोड वर्डों में इन्होंने हिसाब लिख रखा था। तो लगभग 61 लाख रुपए का इनके पास हिसाब था, जिसमें से हमने 60 लाख 86 हजार 890 नगद बरामद किए हैं। इसके अलावा दो मशीन है नोट गिनने की, एक मशीन है नोट गिनने की, एक नोट गिनने की मशीन भी इनके पास से बरामद हुई है। दो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। मौके से फरार हुए रईस बसीडा की पुलिस की टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है, शीघ्र उसको भी पकड़ लिया जाएगा। और ये वाकई में प्रदेश स्तर पर संभवतः, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक बरामदगी है। आमतौर पर करोड़ों का हिसाब किताब पकड़ा जाता है, कैश अमाउंट 2-4-5 लाख रुपए पकड़ा जाता है। इसीलिए श्रीमान एसपी साहब में ये थी कि हमारी शुरू से प्लानिंग यही रही थी कि हम हमारे मुखबिर सूचना तंत्र को मजबूत करके सही निक ऑफ द टाइम इन पे दबिश मारें, छापा डालें, रेड डालें और उसमें हम सफल हुए।